हे गाइस, मैं हूँ शिवाली ठाकुर फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तो गाइस, ये है सोनी। तो इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज करा था, इनको अपने भाई पे, छोटे भाई पे प्रैंक करना था। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली वीडियो है। और वीडियो क्या होने वाली है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो चलो, हम इनके भाई को बुला लेते हैं और वो आने वाला है। हमको बुला ही लिया तो कॉल कर लेती हूँ मैं एक बार। तो आप एक बार पीछे है ना, थोड़ी देर में आ जाना आप। तो गाइज, चलो हम वेट करते हैं इनके भाई का। हेलो, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? अरे यार, बहुत ट्रैफिक वगैरह और सब। अच्छा, और कैसे हो आप? सब ठीक? बस बढ़िया, तुम बताओ? मैं तो ठीक ही हूँ। वैसे जैसे आप पिक में देख रहे थे वैसे ही है, स्मार्ट। थैंक यू। हाँ, मैं तो खैर ऐसे ही रहती हूँ। तो और अभी कैसी चल रही लाइफ तुम्हारी? मेरी लाइफ तो बस अच्छी चल रही है, और आप आ गए तो अब और अच्छी लगने लगी है मुझे अपनी लाइफ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपनी लाइफ से प्यार सा हो गया। बढ़िया है। हाँ, और क्या करते हो आप वैसे? कुछ नहीं यार, जॉब वगैरह चल रही है अभी। जॉब कर रहे हो? कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या? नहीं, कॉलेज वगैरह जाता हूँ लेकिन जॉब अच्छा। भी हो रही है और कॉलेज भी हो रहा अच्छा, है। साथ में जॉब भी कर रहे हो? मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। तुम अभी क्या कर रही हो वैसे? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस अभी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। आपको देखा ही होगा, आपने रील्स वगैरह ही बना रही हूँ। सही है, तुम्हारा काम सही है। घर बैठे कोई मतलब नहीं है, बस आराम से मस्ती की मस्ती हो जाती है, काम भी हो जाता है। घर बैठे बस रील बनाओ, वीडियोस बनाओ। टेंशन तो हमें होती है पढ़ाई की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, टेंशन मुझे भी होती है। कंटेंट सोचने पड़ते हैं ना, थोड़ा मेहनत तो हर काम में ही होती है। फिर भी बैठे रहने का काम है ना, बैठे सोचते रहो आराम से। हमारा कभी इधर जाना कभी उधर जाना है, तो तुम्हें पता नहीं है कि दिमाग के काम में ज्यादा वो थकान लगती है मेंटली। किस दिन बॉडी वाला काम करके देखना, थकान पता चल जाएगी अच्छे से। कोई है तुम्हारी लाइफ में वैसे, या सिंगल ही हो? बस अभी फिलहाल सिंगल। सिंगल हो तभी मिलने आए हो वैसे तो। तो क्या इरादा है आपका, फिर सेट वेट होने का है या ऐसे ही आए हो आप बस मिलने? अभी फिलहाल तो वैसे ही एज अ फ्रेंड मिलने आए। एज अ फ्रेंड जान लेते हैं। हां, अच्छा, नॉर्मल स्टार्टिंग। कितना जानना है? जान तो गए, नाम तो पता ही चल गया। नाम भी पता चल गया, काम भी पता चल गया। अब क्या जानना है तुम्हें? हर चीज को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अरे यार, तो हमें क्या टाइम देना है एक दूसरे को, हम सब जानते ही हैं। नहीं, आदतें बुरी आदतें जो भी है सब चीज समझनी पड़ती है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ठीक है, मैं तुम्हें ना एक व्हाट्सएप में ना लिस्ट बना के दूंगी, ये मेरी अच्छी आदतें हैं, मेरी गंदी आदतें हैं। तो जो गंदी है वो इग्नोर कर देना, अच्छी वाली आदतें देख लेना। ऐसा नहीं होता, मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो हम कर तो रहे बातचीत, अब कैसे बातचीत? कितना टाइम दोगे यार, इतना वेट कराओगे अब आप? यार अभी तो दो चार दिन ही हुए, दो चार दिन में इतनी जल्दी अरे यार, क्योंकि जिंदगी यार कोई भरोसा नहीं है ना कल का, तो हमें आज में जीना चाहिए। जो दिल करे वो करो, तो मैं वही करती हूँ। जीना चाहिए आज में, लेकिन सब चीज देख के जीना चाहिए ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ता है। मैं तो नहीं ले रही यार, टाइम देना पड़ता है फिर भी। मैं तो नहीं, जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे भाई। मैंने दिल से मान लिया बस, ये कोई बात नहीं होती है, टाइम देना पड़ता थोड़ा। तुम इतने शरीफ हो या तुम बन रहे हो शरीफ मेरे सामने? मैं हूँ शरीफ, मैं तभी कह रहा हूँ। शरीफ हो तुम, इधर दिखाना चाहिए। इतने शरीफ क्यों हो तुम, हाथ दिखाना। ज्योतिषी आती है मुझे पता है तुम्हें। ये तुम्हारी, हाँ ये तेरी कॉलेज क्लास है ना। आप कौन हो बताओ? सिस्टर है। और नमस्ते दीदी, ये कौन है? मैं, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ यार। मैं कॉलेज गया था उसके बाद। मैं गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये फ्रेंड है ओनली मेरी। दिमाग तुम्हारा खराब है, घर पे जल्दी बताओ कौन है ये? यार ओनली फ्रेंड है, सीरियसली दी, ओनली फ्रेंड है। अभी यार कल तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, 8 महीने हो गए मेरे रिलेशन को, और तुम बोल रहे हो गर्ल? ऐसा कुछ नहीं है, फोन कर रही, जल्दी बताओ। कल ही बात हुई है मेरी इससे,
पागल हो गया। मेरी बात हुई है, इन्होंने आज बोला कि आज मिलते हैं। हम इतने टाइम से रिलेशन में, अभी हम मसूरी घूम के आए हैं, ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है? इसने मुझसे आपको ट्रस्ट नहीं किया मेरे पे। मुंह बंद करो अपना, मुंह बंद करो। ऐसी बात होती, तुम एकदम से चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? मेरा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यार होती है सीरियसली, अभी कल ही हमारी बात हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ओनली फ्रेंड है। ये झूठ बोल रहा है। कैसे जानती हो इसे? हम मिले थे और एक बार हम कैफे में मिल गए थे साथ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, अपने फ्रेंड्स के साथ। इसने पहले और आज बस इसने मुझे प्रपोज करा था। बल्कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, पागल हो क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज झूठ बोलना बंद करो। तुमने कहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अब कॉलेज पर मैं कॉलेज गया था, मैं गया था कॉलेज। कोई कॉलेज नहीं गए थे, तुम सुबह से मेरे साथ बैठे हो यहाँ पे, झूठ मत बोलो। कितना यार, तुमने क्या कहा था? मैं अपनी मम्मी को, अपनी मम्मी को बताऊंगा, अपने पापा को भी बता दूंगा तुम्हारे बारे में, और तुम अब ये ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनसे नॉर्मली बात करने आया, एज अ फ्रेंड मिलने आया था। वो भी तो देख भाई, वो क्या कह रही है, सुन तो उसकी बात। मैंने झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोलूंगा आपसे? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ ही बोल रही हूँ तुम। यार अभी जस्ट ओनली फ्रेंड है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हो। फ्रेंड तो भाई घर पे भी तो आते हैं तेरे। ये कौन सी फ्रेंड है जो यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे मिल रही है? ये झूठ बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसने मुझे धोखा दिया, धोखेबाज लड़का है तू, एक नंबर का। यार ऐसा मुझे, मैं सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा करेगा। पापा को बोल यार, आप भी एक लड़की हो, आप समझ सकते हो। बात सुनो, नहीं मैं कॉल करो आप अभी के अभी। इसने मुझे धोखा कैसे दिया? मैं फोन करूंगी पापा को। ऐसा कुछ नहीं, कॉल करो। नहीं आप अभी के अभी कॉल क्या कर रहे हैं? मैं जस्ट मिलने आया था और ये ओनली फ्रेंड है। कोई मिलने नहीं आया था, कॉल करो यार आप भी। नहीं आप कॉल ऑल मत, ये मुझे धोखा दे रहा है। आप भी एक लड़की हो, मैं फोन करूंगी। तू क्यों यहाँ पे, क्या करने आया है ये बताना। फ्रेंड थी, घर में क्या था, हमसे मिलवाता। ये तूने हमें क्यों नहीं बताया? इतने टाइम से मेरा बेवकूफ बना रहा है ये कि मम्मी से मिलवाऊंगा ये वो। पलट रही है अपनी बात से। कोई नहीं पलट रही हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत बुरा करा तुमने मेरे साथ में। सोच भी नहीं सकती ढंग से, जानता भी नहीं। कोई मेरे साथ ऐसा करे फिर यार भी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पे भी तुम विश्वास करो ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं घर पे पापा को बोलने वाली हूँ। नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को कुछ बोलना मत, ओनली फ्रेंड। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या मुझे? नहीं भाई, मुझे नहीं है विश्वास। तुमने कहा मैं, तूने कहा कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज। यार जब मैं गया था कॉलेज, मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन। कोई कॉलेज नहीं गए थे, झूठ क्यों बोल रहे हो? इतनी देर से पागल हो गए क्या? आप मेरे कॉलेज चलो, मैं फ्री होके ही तभी यहाँ पे आया हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं, इनसे मैं पैसे कमाते हैं। कल तो बात हुई यहाँ पे बैठा। तुम इसी तरह सबका बेवकूफ बनाते हो। मैं कोई बेवकूफ नहीं बना यार, इसीलिए सच बोलो यार। इसीलिए घर पे सब तुम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, ऐसी शक्ल लेके तुम। सच बोलो, मत बोलो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। नहीं मैं क्यों बोलूँ? सॉरी सॉरी, मैं अच्छा ठीक है, सॉरी मैं यहाँ आ गया उसके लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि ये बताने की कोशिश कर रही है। मैं घर पे बोलूंगी, तू यहाँ पे क्या करने आया था, वो भी इस लड़की के साथ, कौन है ये, सच बता। दी ओनली फ्रेंड है, ओनली फ्रेंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार तुम प्लीज सच सच तो बोलो कम से कम। यार अभी थोड़ी देर पहले क्या बात हो रही थी, अब तुम मैं क्यों बोलूँ सच? मानती हूँ ना मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ये हम दोनों का प्लान था कि तुम्हें ऐसे तुम पर प्रैंक करना। साथ में मिले हुए थे इनके, साथ में मिले हुए थे, हमारी बात हुई थी। मजाक कर रहे थे, छोटा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बड़ा खेल खेला तो डरने वाली बात नहीं है, जस्ट मजाक तो हाई कर जाएगी। आपको पसंद आई होगी वीडियो, को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ। थैंक यू सो मच। दोबारा किसी के साथ ऐसा हो ना, नहीं जरूर होना चाहिए, ऐसा तो होता रहता है, क्या हो गए छोटे मोटे फ्रेंड। ओके गाइस, चलते हैं और मिलते हैं हम जल्दी।